हाय गाइस, आई एम सैम, बैक विद अ न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल बुल्स एम्पायर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़। अगर आप कोई पोजिशन बनाते हैं तो प्लीज़ खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। और सेकेंड थिंग इज, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट की पोजिशन हो सकती है। तो गाइस, अपने जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शैलेट होटल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है। तो वैसे तो ये इसने 302 का हाई बनाया, बट मार्केट में क्लोजिंग के वक्त रोज़ की तरह एक सेलिंग प्रेशर बना, तो इस स्टॉक में भी थोड़ी सी सेलिंग आई। बट ये उतना नीचे नहीं आया जितना कि बाकी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आई। तो इसने अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग दिखाया क्लोजिंग के वक्त भी। और इसमें गाइस, आप CMP पे पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 260 का। सो 260 के स्टॉप लॉस के साथ आप CMP पे पोजीशन बना सकते हैं। एंड इसका जो टारगेट रहेगा गाइस, अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखें तो गाइस, इसका पहला टारगेट रहेगा 320 का। और अगर 320 के ऊपर जाता है तो ये 350 तक जा सकता है। बट हमें जो हमारा सबसे पहला और इमीडिएट टारगेट है वो 320 का होगा और 260 का स्टॉप लॉस होगा। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो बनेगा वो 1:2 का बनेगा। एंड गाइस, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि कभी 200 पॉइंट नीचे, कभी 200 पॉइंट ऊपर। तो 200-300 पॉइंट मार्केट में इस तरह से हो गई हैं जैसे दे आर नथिंग। तो इसी वजह से जो स्टॉक्स हैं, जो हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, उनके टारगेट्स हमें छोटे रखने पड़ रहे हैं। बिकॉज जैसे ही स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो मार्केट में सेलिंग आ जाती है। तो एक बार सेलिंग सेंटीमेंट बन जाता है या नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बन जाता है तो बाइंग वहीं पर रुक जाती है। और जब वो सेंटीमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है गाइस और बाइंग रुक जाती है, तो टारगेट्स फिर हमें यही देखना पड़ता है कि जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन रहा है वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलो और उसको कैश करो। ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, बट अगर वो नीचे चला गया स्टॉक, उसमें और सेलिंग आ गई, तो कम से कम हमें पोजीशन बनाने का कोई बेनिफिट तो होगा कि हमने जितना प्रॉफिट मिल रहा था उतना बुक तो किया। तो आजकल आपको वो बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रखने चाहिए। अगर आप खुद भी कहीं पे ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टारगेट छोटे रखो, जहाँ प्रॉफिट मिले उसको कैश करो। ठीक है, जब मार्केट में ये वॉलेटिलिटी ख़त्म हो जाएगी और मार्केट पहले की तरह एक नॉर्मल 50-60 पॉइंट ऊपर या नीचे इस तरह चलेगी, तब जाके आपको स्टॉक्स में एक अच्छे ब्रेकआउट्स मिलेंगे। बट अभी के लिए 2-5% जो मिलता है वो लेके, अगर इंट्राडे में ही मिल रहा है तो इंट्राडे में ही लेके निकल जाने में ज़्यादा फायदा है। तो गाइस, सभी होटल स्टॉक्स में बाइंग चल रही है। अब रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट पहले रॉयल ऑर्चिड में बाइंग हुई, कामत होटल में बाइंग हुई और आज शैलेट में बाइंग आई है अच्छी खासी। और इसने तो ब्रेकआउट भी दिया था ये 290 के ऊपर। तो बट एनी वे, सो दिस इज़ अ स्टॉक। बाकी जो मैंने आपको सैटरडे वाले दिन वीडियो बना के स्टॉक्स बताए थे उसको देख लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो एक था CL एडुकेट। तो गाइस, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ था 125 पे, 129 पे ओपन हुआ और 138 तक ही गया। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इसने 9 पॉइंट्स की मूव दी, जो कि 5-6% इंट्राडे में ही बन गया। तो होपफुली आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। और दूसरा स्टॉक था हमारा अनमोल इंडिया। तो गाइस, अनमोल इंडिया में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ओपन हुआ था 241 पे, उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया। अगर हम इसका इंट्राडे चार्ट पे चलें तो ये
यहाँ पे ओपन हुआ गाइस। सो बेसिकली 235 पे, 235 पे ओपन हुआ एंड उसके बाद ये 246 तक गया। तो इसने भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 4-5% की मूव दी है। तो होपफुली आपने सुबह ही इसे बुक कर लिया होगा। तो बाकी जिसके पास पोजीशन जिसने रखी हुई है तो आप होल्ड कीजिए, बट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। तो बाकी गाइस आज मैंने जिस स्टॉक्स में काम किया वो थे शांति गियर्स। तो शांति गियर्स में मैंने 200 पे पोजीशन ली थी, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद ये यहाँ तक गया 205 तक। तो इसमें मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया। और दूसरा था लिंडे इंडिया। तो लिंडे इंडिया गाइस मैंने 2860 पे पोजीशन बनाई, 2860 या। सो ये था अप्रॉक्सीमेटली ये वाला लेवल या। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं इसने 3005 का हाई लगाया, बट मैंने इससे पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था और क्लाइंट्स को भी मैंने इसमें काम करवाया। लिंडे इंडिया तीसरा स्टॉक जिसमें मैंने काम किया था वो है विप्रो। तो विप्रो 556 पे मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था एंड खुद भी इसमें पोजीशन बना ली थी। तो 556 ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लोअर लेवल पे ये वाला लेवल था। वैसे ये खुला यहाँ था आई गेस, हाँ। तो कुछ यहाँ पे पोजीशन बना ली थी गाइस हमने 556 पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसने 4% की मूव दी है, 573 तक गया है। तो इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। सो लिंडे इंडिया, विप्रो एंड शांति गियर्स। बाकी अनमोल इंडिया एंड सीएल एडवोकेट में पोजीशन जो भी बनी थी वो भी इंट्राडे में बुक कर ली, कोई पोजीशन हमने होल्ड नहीं की बिकॉज मार्केट डजेंट लुक नाइस। तो इसकी वजह से जो इंट्राडे में मिलता है हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो गाइज ये थे स्टॉक्स। बाकी कल के लिए आपके लिए शैलेट होटल है, उस पर नज़र रखिएगा। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन चले बिकॉज आज कितने परसेंट की मूव दी है उसने, आई गेस 10-12% की मूव दी है। या 12% की मूव, तो 12% की मूव देने के बाद हो सकता है एक कंसोलिडेशन चले। तो 260 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। बाकी आप जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। बाकी अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए गाइस तो आप फिर मेरे प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि बहुत एक रीज़नेबल सा प्राइस है। एंड देन आई कैन प्रोवाइड यू द अपडेट्स इन द लाइव मार्केट। तो आप इंट्राडे में ही काफ़ी पोजीशंस ऐसी होती हैं, जैसे TCPL आया था वो 660 पे दिया था मैंने अपने क्लाइंट्स को 668 पे, हाँ। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ दिया था जब इसने ये लेवल ब्रेक किया, इसमें ये ब्रेकआउट दिया तो तभी मैंने दे दिया था 668 पे यहाँ पे। तो उसी दिन इसने 727 का एक बार अपर सर्किट लगा दिया था और आज देखिए कहाँ तक गया है, 837 तक। तो 660 से 837 अप्रॉक्सीमेटली 160-170 पॉइंट्स की मूव दे दी है 2 दिनों में। तो आप भी चाहते हैं अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाएं तो आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या टेक्स्ट या कॉल कुछ भी कर सकते हैं गाइस। एंड दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ गाइज़।